एक बार प्रेम से बोलिए बागेश्वर धाम की। एक बार हमने बालाजी की प्रेरणा से दो पर्चा लिखे हैं, हमें पता नहीं है किसके पर्चा हैं, पर्चा नंबर भी हमने इसमें डाला है। ये पर्चा नंबर एक है जो आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं, ये पर्चा नंबर दो है। अब कोई भी पत्रकार दो व्यक्ति ले आवे, कोई भी पत्रकार, कोई भी, आप लोग निर्णय कर लो, वरना ये हो जाएगा कि हमने बुलाया, आप वहीं वही रहेंगे, यहां आने की आवश्यकता नहीं। कोई भी दो पत्रकार, एक को दो लोग आ जाओ, कोई वहीं से, हाँ एक टाइम सुनाओ, आप हैं, कौन सा चैनल है आपका, ठीक है वहीं रहो, आना नहीं, हमारे पास नहीं आना है। अब आप जो है चले जाओ और किसी को भी एक एक दो जने उठा के ले आओ। हाँ कोई भी, हमें कोई दिक्कत, कोई भी ले आओ, कोई भी ले आओ, दो लोग लेकर आओ जल्दी। आप भी जाओ भैया जल्दी, बैठे रहना है पुलिस में, महिलाओं में। अच्छा सुनो भैया, इस वाले पंडाल में भी चले जाना, इस तरफ में, यहां के तो उठ रहे हैं, वहां चले जाओ बीच में। इसके बाद आप जो खड़े ना सफेद सफेद वाले, सफेद शर्ट पहने, उल्टा देख रहे हैं जो, तुम्हें नहीं छोड़ेंगे हम, तुम बहुत बुद्धिमान बन रहे हो, हाँ तुम्हें नहीं हम छोड़ेंगे, हाँ हम तुम्हें छोड़ेंगे नहीं, तुमसे भी बुलाएंगे हम। अब दो लोग गए हैं, हमें आप लोग निर्णय कर लो, हम करेंगे तो फिर वही वाला, जैसे इन लोगों को कह देते हम करेंगे तो कहेंगे गुरुजी ने अपने लोगों को बुला लिया है, अपने सेट कर लिए हैं, ऐसे ही आरोप लगाएंगे ना, इसलिए काहे को बेफिजूली में, क्योंकि ये लोग बहुत चतुर हैं, बहुत बुद्धिमान हैं, आरोप लगाने के लिए इन्होंने भगवान राम को भी नहीं छोड़ा, और बार बार थोड़ी कसौटी पर उतरेंगे, हम जादूगर थोड़ी बहन, हम निर्णय नहीं करेंगे, आपस में आप लोग निर्णय करो, आप लोग ही निर्णय करो, आपस में खूब निर्णय करो, नहीं ऐसे थोड़ी, आपके कहने से थोड़ी होगा, आप कौन हो कि जो आपके कहने से हो जाए। सच दिखाने की ताकत आप में है और हमें जो गुरु प्रेरणा है वो बताने की। सीताराम, तब तक अर्जी क्रम में भी आगे बढ़ लेते हैं, ये तो चलता रहेगा, इन लोगों को कुछ काम भी मिल जाएगा, क्योंकि इन्हें टीआरपी चाहिए, इन्हें ना तो श्रद्धा से मतलब है, ना चमत्कार से मतलब है, ना कृपा से मतलब है, ना टीआरपी से मतलब है, कि बाबा एक एक्सपोज हो रहा है, और अगर सही निकला तब भी ये कह देंगे दर्श को आप अपने हिसाब से देखिए, और झूठ निकला तो देखिए बाबा कितना बड़ा अंधविश्वासी है, ये तो नहीं भाई सगे बाप के, तो हमें तो मतलब नहीं है, लेकिन इनका काम सत्य दिखाना है, तो इसलिए हम इनमें काय को समय बर्बाद करें, अपनी सेवा में समय बर्बाद करें, जिसके लिए हमें बालाजी ने भेजा है, का तुम लोगन के लाने भेजो। बोलो सीताराम, आगे बढ़ते हैं। हाँ आप आ जाओ बहन जी, आ जाओ, हाँ आ जाओ, और लास्ट में जो जैकेट पहने हुए, पीला कुर्ता पहने हुए कुर्सी पर बैठे हैं, लेफ्ट वाले पंडाल में, हाँ 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 हाँ, जिसने अभी हाथ खड़ा किया, आप आ जाओ भैया, आ जाओ, आइए आइए, नहीं नहीं वो वहां से बुलाया तो वो आ रहे हैं, आ जाइए आ जाइए, हाँ ठीक है आप रख जाओ, इतने लोग, आप नहीं नहीं एक व्यक्ति को बुलाना है, आप लोग सबको पहले नीचे करो, ऐसे में भगदड़ मच जाएगी,
आप एक को बुलाना है वहीं खड़ा कर दो, आप भी वहीं खड़े हो इनको भी वहीं खड़ा करो। हाँ, अब उनका और आ जाने जो दो, एक जने और गए थे, तो आप किसको भेज रहे हैं? इनको भेज रहे हैं। आप आइए बहन, बहन आप आइए, आप जुड़े तो नहीं है भैया पहले से इनसे? बहन बैठ जाओ, माइक लो। कहाँ से हो आप? रायपुर छत्तीसगढ़ कोटा से हूँ। ताली बजाओ। अब देखिएगा, ये अद्भुत बात ये है कि हमने बिफोर टाइम लिख करके रख लिया और हमने कहा कि आप एक व्यक्ति को उठा कर लाइए। अब आप प्रश्न करिए पहले। बागेश्वर धाम की। आप यहीं खड़े रहिएगा, प्रश्न करिए, जाना नहीं है नीचे। मेरी बच्ची 2016 साक्षी माखीजा, जो कि उसके पापा ने बताया कि मैंने उसे मार के बोरी में डाल के ट्रेन में छोड़ दिया था, लेकिन आज तक उसकी बॉडी तक नहीं मिल पाई है। मेरा एक बच्चा पाई जे, आज मेरा उससे तलाक हो चुका है। दो बच्चे मैं परवरिश करती हूँ दोनों की। आर्थिक स्थिति भी मेरी बहुत डाउन। कोई बात, आप यहाँ रहती हैं, आप पढ़ाई लिखाई क्या है आपकी? मैं पढ़ाई ज्यादा तो नहीं कर पाई हूँ, लेकिन मेरे बच्चों की जवाबदारी से मैं खाना बनाने। हमारे पास पत्रकार महोदय दो नंबर तक के, वहीं खड़े रहिए, यहीं दो नंबर तक के पर्चे हैं, एक नंबर दो नंबर। इन्होंने जो प्रश्न बोला इन आपके ही आधार पर इन्हें लेकर के आप आए हो। अब आप ही बताइए इनके लिए कौन से नंबर का पर्चा खोलें, जिस नंबर का खुलवाओगे उसी में इनका प्रश्न मिलेगा। देखिए यहाँ पे अब ये भी है बाबा जी, एक नंबर का पर्चा, मतलब बिफोर टाइम लिखा सो तो ठीक, दो नंबर तक के पर्चा है। तुम एक को कहोगे तो एक में इनका प्रश्न है, दो को कहोगे तो दो में है, और तुम बोलोगे वही जो हमारे बालाजी बुलवाएंगे। लगाओ अपनी बुद्धि और तर्क, लगाओ अपना दिमाग और अपनी न्यूज। कौन सी न्यूज है? टाइम्स नाउ भारत। लगाओ अपना विवेक, और आपके लिए ये अद्भुतता का विषय है कि ऐसा कैसे। बिल्कुल ये अद्भुतता है। और आप बताओ, आप तो सीधा नंबर बताओ, समय बर्बाद हो। आचार्य जी एक नंबर खोल दीजिए, एक नंबर, दो नंबर खुलवा लो। नहीं एक नंबर, दो नंबर खुलवा लो। नहीं एक ही नंबर, हमारी नाक बच जाए। चलिए दो नंबर खोल दीजिए। नहीं एक ही फिर। चलिए एक नंबर खोल दीजिए। फाइनल, फाइनल लॉक, लॉक कीजिए। दो तो नहीं, नहीं दो नहीं, दो करवा लो। नहीं अब एक ही, नहीं एक ही, फाइनल, फाइनल। ये दो नंबर का हम रख लेते हैं, और ये कितने नंबर है? एक नंबर, थोड़ा जूम करवा सकते हैं क्या? करवाओ करवाओ, कर ले भैया जूम। कितने नंबर है? आप बोलिए। अच्छा नजदीक आइए, माइक नजदीक रखिए। इनका माइक चालू नहीं है क्या? है। आपने यहाँ किसी को बताया तो नहीं? पर्चे तो नहीं? आप पढ़े लिखे? हमने लिखा आपकी बेटी का मर्डर हुआ, जिसका रहस्य खुलेगा। बालक अपंग है, शरीर में शिथिलता है, झटका बनते हैं, ठीक होगा। वर्तमान में आर्थिक तंगी से जूझ रहे हैं। आपका तलाक आपकी स्वयं की गलती व विवाद के कारण हुआ है, जिसमें आपका पक्ष बहुत ज्यादा गलत था। आप ओवर बोल गई थी, जिससे विवाद बना था। और भी एक गुप्त कारण है, वो रहस्य बताने योग्य नहीं है, और आप भी नहीं चाहती कि वो बताएं, क्योंकि कोई और मैटर था जिससे तलाक हुआ था। तो गलत आप हैं, रहस्य बाद में खुलेगा, ये ठीक होगा, आशीर्वाद है। बाबा जी बेटा ठीक हो जाएगा मेरा। सीताराम साधु जी, जय जय श्री राम। एक मिनट और बैठो। हम माइक पे बोल दें कि उससे? माइक से बोलिए आप। किससे बोलें हम? बस आप माइक के बगैर। आपके बालक को झटका बनते हैं, एक हमने इसमें मंत्र लिखा, झाड़ा हम लगा देते हैं। आपकी मर्यादा के कारण आपकी बेइज्जती ना हो, तो हमने एक संकेत पहले दे दिया, और आपका कहना है कि माइक से ना बताएं, तो हम नहीं बताएंगे। बस आप नीचे का पूरा चैप्टर पढ़ लीजिए, आपकी समझ में, सिर्फ एक कॉलम के नीचे का पढ़ लीजिएगा, इसको उसमें कैमरे में मत रिकॉर्ड करना। अब ये पढ़िएगा, माइक बोलिए। हाँ बिल्कुल, आपकी प्राइवेसी है, निजता है जी, सही, इसलिए हमने ये माइक से नहीं बोला, पर ये है हकीकत जी, बिल्कुल सही। बागेश्वर धाम की। एकदम सही,
किसी को बताया आपने? बिल्कुल भी नहीं। अच्छा, पत्रकारों को आप जब ये पर्चा दिखाना तो ये वाला चैप्टर आप छिपा लेना, नहीं तो इससे आपको ट्रॉल करेंगे, बेइज्जती करेंगे और साथ में हमें भी कहेंगे कि फिर इस बाबा को तो इंटेलिजेंट में भर्ती करवाओ, क्योंकि बहुत खतरनाक होते हैं लोग। ये सिर्फ ऐसा दिखा देना, हमें कवच देना है, बालक को झाड़ा लगाना है, आपको अभी भभूति लेनी है वहां से, मंत्र का जाप करना है और आप जो निर्णय कुछ दिन बाद लेने जा रहे, सही है? सही है। बागेश्वर धाम की। अब आप सोचो बहन के हमारा हम कितने गहरे तक पहुंच गए। वो हमें लिस्ट दे देना, उसमें कुछ कंपनी कुछ व्यक्ति को जो थोड़ा गलत मार्ग पर थे, उन्होंने जमीनों के लिए लिए थे, काम के लिए लिए थे, उसमें से वो मिलना मुश्किल है और उसमें से एक दो लोग बहुत गलत हैं, उनसे थोड़ा सा आपको सावधान रहना है। माइक नीचे रख दीजिए, नहीं लिए रहिए, माइक लिए रहिएगा, थोड़ा सा आपको सावधान गंभीरता जो नीचे वाले मैटर में है उसमें एक व्यक्ति और आपको फंसाना चाहता है, कुछ वायरल करना चाहता है, उसमें आप गंभीर रहना और उसमें सुरेंद्र और सुनील इन दोनों से भी सावधान रहना। सीताराम भगवान बचाए, हम आओ नहीं, सुनील मेरा पति है, हम आओ ना, बताइए ना जी, उनसे दूर रहने के लिए बोला है, उनसे बचने के लिए बोला है, सुनील नाम के शख्स से, वो मेरे पति हैं। जो कहते थे कि ये क्या कह रहे थे, काय पे निकालो, अब ले आओ तुम अपनी एबीपी, ठटरी बार दे भी हम सबकी, जो जो आरोप लगा रहे थे उनकी ठटरी, जय जय श्री राम। अब इनसे पूछो, हमने नहीं उठाया इनको, अब आप लाओ, हमने नहीं इनको उठाया, किसने उठाया है? मीडिया। किसने उठाया है? लगाओ अपना कैमरा, करो चालू, मीडिया वालों ने मुझे उठाया और... हमने उठाया और मीडिया वालों ने उठाया भी, मीडिया वालों ने पर्चा भी बताया, मीडिया वालों ने कहा कौन सा नंबर खोलना चाहिए, वहीं से मीडिया माइक ले सकते हो आप, हमने तो बुलाया नहीं इनको, हमने बुलाया इनको, हमने बुलाया नहीं, मेरे सहयोगी लेकर, आपके सहयोगी हैं, तो हमने पर्चा खुलवाया क्या, हमने पर्चा खुलवाया, कौन सा नंबर इन्होंने बताया, इन्होंने एक कहा फिर आपने कहा, हमने तो कहा तो दो भी खुलवा लो, दो भी खुलवा लो, लेकिन ये नहीं माने, बोले नहीं एक ही, क्योंकि ये नहीं, ये पता था कि दो नंबर में हो सकता है, ये बोले नहीं एक ही। अब आपके ऊपर जो आरोप रुपयों वाला लगा रहे थे, अब आज क्लियर हो गया? मेरा तो हो गया, लोगों का क्या है, लोगों का काम तो कहना है, उसमें तो पढ़ना नहीं, लेकिन ये तो सही है, ये सही है, आपकी आंखों देखे हुआ। अब माता जी आपने बताइए, आपने किसी को नाम बताया? बिल्कुल भी नहीं, मेरे पति का नाम भी मैंने इनको नहीं बताया था, जो अभी महाराज जी ने बताया कि उनसे दूर रहना, वो नाम सुनील है, जो मेरे खुद के पति है। गुरु जी हम तो वही दिखा रहे हैं जो कल आप, लेकिन उसके बाद आरोपों में आ गए, लेकिन अब तो क्लियर हो गया, आप तो क्लियर कल भी थे और आज भी हो गया, आज भी हो गया। अब बजाओ सीता, अब बोलो बागेश्वर धाम की जय, बागेश्वर धाम की, एक बार तुम बोलो। मैं तो कल भी बोला था बागेश्वर धाम की जय, आज भी बोल रहा हूँ, और फिर लोग हमको सोशल मीडिया में गरियाएंगे स्वामी। अब जो जो आरोप लगा रहे थे उनकी ठटरी, अब जाओ बहन, अब जो है भगवान कृपा कर दे उन पे, लेकिन अब ये बात सब गुप्त रखना है, क्योंकि हम किसी की प्राइवेसी सिक्योर करें। बस 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 बस, बोलो साधु जी, साधु जी। अब 20-25 लोग आप मीडिया वाले खड़े हो, आप लोग बताओ कोई एक व्यक्ति की जानकारी ला सकता है क्या, सबकी ला सकता है? बोलो बोलो, तुम्हें शपथ है, ला सकता है क्या सबकी? ये है संभव? हाथ हिला के बताओ, क्या ये संभव है?